हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका DDCET का एग्जाम्पल भरना बाकी रह गया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SCPC के द्वारा अभी जस्ट सर्कुलर आया हुआ है और वो बात कर रहा है कि आपका DDCET का एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने की डेट आपको एक्सटेंड की है। कब तक? तो वो मेंशन किया है 22 मार्च। कितने बजे तक? तो 11 बजे तक, ओके, रात के 11 बजे तक आप भर सकते हैं 22 मार्च। तो कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका रह गया है एग्ज़ाम फॉर्म, तो एज सून एज पॉसिबल भर दो। ऐसी अपॉर्चुनिटी अब तीसरी बार नहीं आएगी, ठीक है। तो कैंडिडेट वो हैव नॉट रजिस्टर्ड आर एडवाइज टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर 22 मार्च फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ दिस, बराबर। देखो फ्रेंड्स, आपका अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो जाता है तो उसके बाद आपको ये कुछ डेट्स जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये वाली डेट, एडमिट कार्ड रिलेटेड डेट जो है वो याद रखनी है। तो एडमिट कार्ड जो है आपका 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना रहेगा, ओके। और आपको पता है कि आपकी DDCET की एग्ज़ाम की डेट है वो 7 अप्रैल को है, ओके। और उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया है कि 3rd week of April, बराबर। तो वो टेंडेटिव है, यानी कि थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ओके। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये DDCET की एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो उसके रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो इनकेस अगर आपको नहीं पता कि कैसे भरना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ आपको 2-3 उसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि TFWS में क्या लिखना है, फिर फ्रीशिप कार्ड में क्या लिखना है, तो 2 ऐसी कन्फ्यूज़न रहती है, ओके। तो वो वीडियो में मैंने क्लियर किया है आपको कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। इवन आपको पता है कि डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके जो है 2 सेक्शन आएंगे, एक आएगा BE1 और BE2। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी यूट्यूब चैनल में BE1 का मोस्ट ऑफ पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है, ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही में मैंने MCQs भी कवर किए हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो वो जल्दी से जल्दी फिलअप कर दे, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो इंक्रीज़ की गई है अप टू 22 मार्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।